This is Hiral Soni from Takshashila English School. Today we are going to see chapter 2 in EVS. The chapter name is A Snake Charmer's Story. Snake Charmer Story यानी ये एक स्टोरी सपेरों की है जो सांप पकड़ते हैं, आपने देखा होगा, उसके बारे में है. अभी हम देखेंगे. ये स्टोरी में एक बच्चा है, वो अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा है. लेट्स स्टार्ट. आई एम आर्यनाथ. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉन ऑफ यू कैन डू. आर्यनाथ बता रहा है, मैं आर्यनाथ हूँ. तुम्हें जान के हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम लोग शायद नहीं कर सकते. डू यू नो वॉट आई कैन प्ले द बीन. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ. हो गए ना हैरान. हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पे नचा सकता हूँ. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbelias. ये कला मैंने अपने लोगों से सीखी है, यानी उसके जो पापा वो सब फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे, और हम लोगों को कालबेलियास कहते हैं. माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग्स अवर पीपल. ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. मेरे जो दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत फेमस थे. वो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे, और उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरी बताई है उनके पुराने समय की, और वो स्टोरी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. दादाजी रिमेम्बर्स. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास स्नेक चार्मर्स. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. दादाजी याद करते थे जब वो समय था कि दादाजी और उनके दादाजी थे वो सबको, और वो सब मतलब लोग क्या बोलते थे उनको, स्नेक चार्मर यानी सपेरे. जो सांप पकड़ते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सपेरे. आप लोगों ने मूवी में या अभी तो मतलब इतने नहीं होते, बट पहले जो मूवी आती थी नागिन ऐसा, तो उसमें ऐसे बीन बजाते हुए आप ये पिक्चर में देख सकते हो वैसा. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. स्नेक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बाम्बू बास्केट. वो बताते हैं कि जब वो एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं अपने वो बाम्बू बास्केट, जो बांस की वो टोकरी है वो लेके, और जिसमें क्या होता है, सांप. वेन एवर वी स्टॉप इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस. और जब भी वो कहीं पे रुकते थे और उनको देखने के लिए आसपास में लोगों की क्या हो जाती थी, बहुत सारी भीड़ हो जाती थी. वी वुड देन टेक आउट अवर स्नेक्स फ्रॉम अवर बास्केट. और लोगों की भीड़ हो जाती, फिर हम मतलब वो लोग उनकी पिटारी में से जो बाम्बू का बास्केट है उनमें से उनके जो मतलब सांप होते थे उनके पास, उनको निकालते थे. फिर वो बिन बजा के उसका वो डांस वो जो भी है वो ऐसे करते थे. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicine for them. सांप का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहाँ रुके रहते थे. उन्हें पता होता था कि हमारे पास जो टिन छोटे से डिब्बे में लोगों के कई सारे रोगों की दवा है. We made these medicines from plants collected from the forest. और ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल में से ही इकट्ठी करते थे. आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर. और मैंने ये सब अपने दादाजी से सीखा. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ.
in return. और जहाँ मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे, वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता था। पहले के ज़माने में ऐसे हर जगह पे हॉस्पिटल या डॉक्टर्स नहीं होते थे, ऐसे जो मेडिसिंस जड़ी बूटियाँ उससे ही सबका इलाज मतलब होता था। पीपल वुड गिव अस सम मनी एंड फूड ग्रेन्स, और दवाइयों के बदले लोग हमें कभी कभी अनाज देते थे और कभी कभी पैसे भी देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, और इसी तरीके से हम लोग हमारी मतलब हमारा गुजारा करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसिस वेयर सम वन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक, कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता था जहाँ से किसी को सांप ने काटा हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बी बीटन द पर्सन, बुलाया जाता था किसी को सांप ने काटा हो तब मैं सांप के डंक के निशान को पहचानने का मतलब क्या करता था, वो कोशिश करता था कि कौन से सांप ने ये पर्सन को काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और मैं फिर उसको जिस सांप ने काटा है वही मेडिसिन उसे देता था। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, बट मैं कभी टाइम से पहुंच नहीं पाता था वहाँ पे। एज यू नो, आपको पता है कि सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, और उसमें से सांप को काटने की दवा मतलब जब भी सांप ऐसे काटता, कुछ सांप ऐसे होते थे कि जिनके काटते ही इंसान मर जाता था, तो वो लोग टाइम पे इसीलिए वो नहीं पहुंचता था क्योंकि वो जाए उतने में तो क्या वो इंसान जिसको काटा है सांप ने वो मर जाता था, इसलिए कई बार वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते थे। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक आई वुड कैच द स्नेक्स, कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। मतलब ज़्यादातर आपको सांप जो रहते हैं वो कहाँ पे देखने मिलते हैं, खेत में, क्योंकि खेतों में क्या होते हैं फसल्स होते हैं ना, क्रॉप्स, तो क्रॉप्स को खाने के लिए क्या आते हैं वहाँ पे, बहुत सारे चूहे आते हैं और चूहे होते हैं वहाँ पे सांप होता ही है। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। जो सपेरे के बच्चे होते हैं तो उनको मतलब बचपन से ही ये सांप पकड़ना आता ही है। ओ दोज वेर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन देम, इट वॉज नॉट लाइक टूडे वैन एवरी वन वॉचिज टी वी फॉर एंटरटेनमेंट। और वो बहुत ही अच्छे दिन थे लोगों की, हम बहुत ही मदद कर पाते थे और लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था, अब तो लोग मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। व्हेन आई ग्रू ओल्डर माय फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ, ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे जो पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले जो टीथ होते हैं वो निकालना सिखाया, फिर जहरीले जो सांप होते हैं उनकी जो जहर की नली होती है उसको बंद करना भी सिखाया था। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हैव यू एवर सीन एनी वन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या आप लोगों ने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? यहाँ पे तो अभी नहीं देखा होगा, आप लोगों ने शायद देखा होगा तो कोई सीरियल या वो मूवी में देखा होगा। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, क्या आपने कभी सांप को देखा है और कहाँ, अगर देखा है तो कहाँ पे देखा है? वेयर यू स्कैर्ड बाय इट, बाय आपको क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते? सॉरी, वेर यू स्कैर्ड बाय इट, वाई क्या तुम्हें मतलब सांप आप देखते हो तो आपको उससे क्या लगता है, डर लगता है? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस,
क्या लगता है आपको कि सभी सांप ऐसे जहरीले होते हैं? इन चैप्टर आई वुड रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी. कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि सांप के जो ईयर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो क्या वो बीन जो बजाते हैं सपेरे उसकी धुन वो सुन मतलब सुन पाता है, या फिर वो बीन के हिलने से ही वो नाच मतलब नाचने लगता है या नाचता है? व्हाट कैन वी डू? आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड. ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी एज में से ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे. ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट. उन्होंने बीन बजाने अपने आप ही मतलब सीख लिया था. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. और आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है कि सरकार मतलब ये गवर्नमेंट ने अभी जो लॉ निकाले हैं कि किसी भी जंगली जो एनिमल्स होते हैं जानवर उनको नहीं पकड़ सकते हैं और उनको हमारे पास भी नहीं रख सकते हैं. नाउ विथ दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड. वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन. पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैग. कुछ लोग जानवरों को मारते हैं फिर उनकी जो स्किन होती है उनको ऊंचे दामों में बेच देते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि एनिमल्स को ऐसे पकड़ना नहीं है या अपने पास नहीं रखना है. ऐसा कानून बनाने से हमारी मतलब जो सपेरे लोग होते हैं उनकी रोजी रोटी तो कहाँ से चलती है? ये सब छोटे मोटे ऐसे खेल करते हैं तो ही चलती है. तो वो बताते हैं कि ऐसा कानून बना दिया है सरकार ने, बराबर, तो फिर हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी मतलब सांपों को तो मारा ही नहीं है कि ना ही उनकी वो जो स्किन होती है खाल वो बेची है. पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं. पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बहुत बुरी हालत में रखते हैं, चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसे कमा सकते थे. But we would never do that. But हम लोग ऐसा नहीं करते हैं. Snakes are our treasure. और जो snakes होते हैं वो उनकी पूंजी होते हैं, उनकी जिंदगी मतलब उन पे ही वो कमाते हैं ना, तो उनकी वो पूंजी होते हैं. दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और वो सांपों को मारने की बात तो मतलब दूर की रही, वो उनकी मतलब लाइफ की पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जैसे ये जो आर्यनाथ था उनके पापा और उनके पापा जो रोशननाथ जी थे उन्होंने आर्यनाथ के पापा को दी और आर्यनाथ के पापा ने आर्यनाथ को दी. ऐसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ये चलता ही रहता है. वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड. और हमारा मतलब जो उनकी बेटियों की शादी, सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं. इन अवर काल बेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मोमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक. और हमारे काल बेलिया डांस में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है. आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी चाहिए. यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन. और तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो, यानी
एकदम उसके जो पापा जैसे बजाते थे बिन, वैसे ही उसको बजाना आता है। तो उसको ऐसे बजाता है कि तुम भी अपनी लाइफ नए मतलब शुरू करो, यू एंड योर कजिन्स कैन फ्रॉम अ बिन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे जो साथी या कजिन्स हैं वो मिलकर एक बिन पार्टी, पार्टी होती है ना बिन पार्टी जिसमें सारे लोग बिन बजाते हैं, वैसी पार्टी बनाकर लोगों को मनोरंजन कर सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों को ये मतलब ये तुम्हारे पास जो नॉलेज है बीन बजाने का, सांप पकड़ने का, उसको व्यर्थ मत जाने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटी। तुम मतलब जिस सिटी में और गांव के बच्चों को मतलब बताना कि सांपों से ना वो डरे और ना ही उनको डरने की ज़रूरत है कि ना ही उनको उनसे नफरत करने की ज़रूरत है। उन्हें सिखाना है बच्चों को कि सांप होते हैं, उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको मतलब कुछ ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते तो वो कुछ नहीं करते, और ना ही उनसे नफरत करने की ज़रूरत है। दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नैक्स, हेल्प देम टू रिकग्नाइज पॉइजनस स्नैक। और उनको मतलब ये बताना है कि जो जहरीले सांप होते हैं उनको कैसे पहचानने, वो उनको सिखाना है। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। उनको ये भी बताना है कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनके क्या है, वो दोस्त है। मैंने आपको आगे बताया वैसे। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स। सांप क्या करते हैं, रैट्स होते हैं चूहे, उनको खा जाते हैं। अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। वरना जो चूहे होते हैं वो सारी जो फसल्स होती है उनको खा जाते हैं। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी ये कहानी सुनाना और अपनी ज़िंदगी की भी एक न्यू स्टोरी भी बनाना और अपने पोते पोतियों को सुनाना। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। राइट, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क। क्या तुमने कभी जानवरों मतलब एनिमल्स को खेल या नाचते हुए कभी देखा है? ज़्यादातर हम लोग सर्कस में देखते हैं, ये रोड पे देखते हैं या पार्क में। When and where did you see this? कब और कहाँ देखा है? तो वो आपको लिखना है। Which animal show did you see? और कौन सा जानवर का खेल आपने देखा है? How did people behave with the animals in the show? और जानवर के प्रति लोगों का क्या व्यवहार रहता है शो के टाइम, जो उनका शो रहता है उस टाइम पे उनका बिहेव कैसा रहता है? Was anyone teasing the animal? How? क्या कोई जानवरों को मतलब परेशान करता है, कर रहा है या कर रहा था, और कैसे परेशान करता है? वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? ये खेल देखते आप कोई सर्कस में जाते हो या रोड पे कोई होता है तो आपको देखना है कि जो इंसान उससे वो खेल करवाता है उसका बिहेव किस तरह मतलब होता है, वो सब आपको मार्क करना है। तो ये खेल देखकर वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? ये खेल देखकर आपके माइंड में कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मतलब आते हैं, उसका आपको एक मतलब पेपर में वो लिख देना है। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मान लो कि आप एक जानवर हो या एनिमल्स हो जो एक पिंजरे में बंद है, कैद है, और फिर आप ये सेंटेंस है उनको पूरा करो। यहाँ पे दिया है आई एम अफ्रेड व्हेन, क्या लिखोगे वहाँ पे आप? माय ट्रेनर कम्स एंड बीट मी विथ मेटल स्टिक्स टू गेट मी ट्रेन। सेकेंड, आई विश आई कुड गेट अ चांस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम दिस केज। वो ऐसे बताता है कि आई विश मुझे ऐसा मतलब करने को मिले तो मैं ये केज में से फ्री हो जाऊँ और मुझे फ्रीडम मिल जाए। आई एम सैड व्हेन आई एम मेड टू
live in cage away from my all friends living freely in the jungle. If I had a chance, I would be a human being who would be free. अगर मैं मतलब मुझे चांस मिलेगा तो मैं क्या बनना चाहूँगा, इंसान बनना चाहूँगा कि जो मतलब ऐसे फ्री रह पाए. I do not like it at all when I dance and perform tricks for my trainer. Do you know? Okay, अभी ये important है. इसमें मतलब snakes हैं, वो जो पॉइजनस जो होते हैं स्नेक्स वो है, उनके बारे में है. डू यू नो, क्या आप जानते हो, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन अवर कंट्री ओनली फोर टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस. दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रशल स्वाइपर, उसको क्या कहेंगे, दुबोइया, एंड सॉ स्केल्ड वाइपर. A snake has two hollow teeth. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. There is a medicine for snake bites. The medicine is made from the snake poison and is available in all government hospital. हमारे देश में मतलब पाए जाने वाले सांपों में से ये मतलब सिर्फ चार मैंने अभी आपको बताया, कोबरा है, दुबोइया है, क्रेट है, वैसे चार सांप है वो जहरीले हैं. इनका नेम है कोबरा, कॉमन क्रेट, रशल स्वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर. ये जो सांप है जब किसी को काटते हैं मतलब जिस किसी को बाइट कर लिया या काट लिया, तो वो उसके जो आगे के जो टीथ होते हैं दांत से उस इंसान के शरीर में क्या हो जाता है, जहर चला जाता है. और फिर उस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने मतलब जो भी ये चार में से किसी ने भी सांप ने काटा है उसे मतलब तुरंत वहाँ से जहर के असर को ख़त्म करने वाली जो दवाई होती है वो दी जाती है. और ये दवाई सांप के जहर से में ये जो दवाई होती है वो जो सांप का पॉइजन है उसमें से ही बनाई जाती है. और ये सारी मतलब ये मेडिसिन है वो सरकारी अस्पताल वहाँ पे आपको मिल जाती है. सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स. अभी यहाँ पे एक सर्वे करना है कि जानवर पालने वालों का, जो भी जानवर एनिमल्स जो पालते हैं उनके कि किस लिए पालते हैं और उनके साथ उनका बिहेव कैसा होता है वो सब. टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड. फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स फॉर अ टोंगा, हैंड्स फॉर एग्स एक्सेट्रा. अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि किसी ने टोंगा यानी जो आता है ना कि हॉर्स कार्ट हम बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, तो उसके लिए हम हॉर्स को पालते हैं. फिर अंडे के लिए, अंडे मतलब होते हैं वो बेचते हैं, तो उन्होंने क्या पाला होता है, मुर्गियाँ. वैसे ही आपको देखना है, नेम द एनिमल्स दे कीप, कौन सा जानवर है वो देखना है. हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने जानवर पाले हैं. Is there a separate place for the animals? क्या जानवर को रखने के लिए कोई अलग place है या उनको साथ में ही रखते हैं, कैसे रखते हैं वो आपको देखना है. Who looks after them? उनकी देखभाल कौन करता है. What do the animals eat? वो मतलब क्या खाते हैं animals? Do the animals ever fall ill? What does the keeper do then? अगर जो animals होते हैं वो बीमार पड़ते हैं तब वो पालने वाला जो इंसान है वो क्या करता है. Make some more questions and discuss. और ऐसे ही अपने मन से और question आपको मतलब बनाने हैं और फिर पूछने हैं. Make a report on your project and read it out in the class. आपको एक ये मतलब report बनाना है project और फिर क्लास में बताना है. अभी ये एक्टिविटी है मेक अ स्नेक पपेट, तो वो आपको करनी है. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.